वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आज के जो वीडियो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है डीप वॉचर, जो गहरे पानी से रिलेटेड। और चैप्टर का नाम देख के हमें मालूम चल रहा है कि पानी से रिलेटेड कुछ ये चैप्टर हो सकता है। गहरा पानी जिसमें डूबने का एक्सपीरियंस है, और सिर्फ डूबने का एक्सपीरियंस नहीं है, मेन चैप्टर जिस बारे में ये है कि उस डूबने वाले डर से मौत को जब आप फेस करते हैं उसके बाद उसके ऊपर ओवरकम कैसे करते हो, उस डर के ऊपर जीत हासिल कैसे करते हो, ये ज़रूरी है। और इसी के ऊपर ये चैप्टर होने वाला है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम डीप वॉटर है। तो चलिए इस चैप्टर को हम देखते हैं कि किस तरह से ये दिया हुआ है, राइट। तो ओके, लेट्स स्टार्ट इट देन। विलियम डगलस, सबसे पहली बात तो है कि इसके जो ऑथर हैं वो विलियम डगलस हैं। 1898 वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा। ये मेन मिनेसोटा के अंदर पैदा हुए आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद, राइट, ही स्पेंड 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा के अंदर उन्होंने 2 साल गुजार दिए वहाँ पर टीचिंग करवाते हुए, राइट। याकिमा प्लेस है जहाँ पर वो रहते हैं। हाउ एवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। हालांकि जल्दी वो इस काम से टायर्ड थक गए और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक लीगल करियर परस्यू करूँगा, वकील वगैरह इस तरह से काम करूँगा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकम्स एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है ये असल में प्रेसिडेंट है, राइट। सो एट येल के अंदर उनके साथ मिले, ये भी जगह है वहाँ पर मिले, एंड बिकम एन एडवाइज़र, और उनके एडवाइज़र बन गए और फ्रेंड बन गए प्रेसिडेंट के, राइट। सो डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स के ये लीडिंग एडवोकेट थे, जो आपके इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ता हो। अलग अलग तरह के वकील होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग तरह के केसेस को फाइट करने में। जो व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ता हो वो है इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ने वाला एडवोकेट। रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर्ड हो गए विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर की टर्म के बाद, यानी 36 साल तक इन्होंने ये काम किया। रिमेंस द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास के अंदर सबसे लंबे टाइम तक एक जस्टिस के तौर पर, एक जज के तौर पर सर्विस करने वाले ये बन गए आदमी। द फ्लोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम अ मैन एंड माउंटेंस। और मैन एंड माउंटेंस नाम के वर्क में से ये चैप्टर लिया हुआ है, विलियम ओ डगलस ने इसके लिखा है ये, है ना। तो विलियम ओ डगलस इनका नेम है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। किस बारे में है ये कहानी, ये बताती है कि विलियम डगलस जो है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, उनके खुद के बचपन की बात है, किस तरह से वो नियरली ऑलमोस्ट ड्राउंड डूब गए थे इन अ स्विमिंग पूल के अंदर। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, और इस ऐसे के अंदर वो पानी के बारे में, अपने फियर के बारे में वो बात कर रहे हैं कि पानी को लेकर उनके मन में एक हाइड्रोफोबिया जो होता है वो बैठ गया था। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, उस डर के ऊपर वो कैसे ओवरकम हुए, कैसे उससे उभरे, इस बारे में ये चैप्टर है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। अब देखो कि इनके बुक में से छोटा सा जो पार्ट हमें मिला है इस चैप्टर के फॉर्म के अंदर, किस तरह से उनके फियर के टॉपिक को सपोर्ट करता हुआ डिस्कस कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि वास्तव में पानी का उनके मन में डर था और कैसे उन्होंने उस डर के ऊपर जीत हासिल की, इस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं जो आपको चैप्टर के अंदर ध्यान देना है इनका। ये इसलिए दी होती है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिससे कि आपका चैप्टर में फोकस रहे। ट्रेचरस, सबड्यूड माई प्राइड, फ्लेड एट द सरफेस, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन। चलो ये देखते हैं कि क्या क्या है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं सीधा कि हुआ क्या, कैसे हुआ ये इंसिडेंट कि पानी में डूब गया वो। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 10 या 11 साल का था तब की बात है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। और वहीं पर याकिमा जो प्लेस है वहाँ पर एक YMCA नाम का एक पूल था। YMCA जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यंग मैन्स, उसके बाद क्रिश्चियन, ओके, क्रिश्चियन एसोसिएशन।
एसोसिएशन। तो अभी इसमें मेरे पास जो पेन है वो थोड़ा ऐसे ही चलता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, राइट, इसकी फुल फॉर्म है। एक एसोसिएशन है जिनकी तरफ से क्लब चलता है जिसके अंदर ये स्विमिंग सीखने गया, एंड दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और वो पूल जो था ऐसी एग्जैक्टली एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा था जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी। क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए थी? कोई ऐसा प्लेस हो जो सिक्योर हो, सेफ हो, जहाँ पर जाकर मैं स्विमिंग सीख सकूँ। और द याकिमा रिवर वॉज स्ट्रेचर, अब याकिमा में जहाँ वो रहता है वहाँ पर एक रिवर भी है जिसका नाम याकिमा रिवर है, वहाँ पर जाके स्विमिंग सीख सकता है फ्री में, है ना। तो क्यों नहीं जाता वहाँ पर? क्योंकि वो ट्रेचरस है। जैसे ये ट्रेचरस हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ट्रेचरस मतलब होता है डेडली, डेंजरस, खतरनाक है वो, इसलिए वो नहीं जाता। क्योंकि नहर में पानी के फ्लो के साथ आप तैरना हो, आपको स्विमिंग करनी हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सो मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और मेरी मदर मुझे कंटिन्यूअली इसके अगेंस्ट वॉर्न करती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी कि वहाँ मत जाना क्यों, और एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में बिल्कुल ये बात फ्रेश रखती थी, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, उस नदी के अंदर ईच एंड एवरी, हर नई जो ड्राउनिंग मतलब होता है कोई डूब कर मर जाता था, जो भी केस आता था वो उसके बारे में बता बता के मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी कि वो जगह डेंजरस है, तुम कभी भी वहाँ पर मत जाना। तो मैं कभी रिवर में गया नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो YMCA पूल जो है वो सेफ है क्योंकि वहाँ चलते हैं। कैसे सेफ है वो? बट द YMCA पूल वो सेफ, वो सेफ था। हाउ? इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शैलो मतलब होता है उथला, जहाँ पानी कम होता है, गहराई कम होती है, उसको बोलते हैं शैलो। तो अभी अगर आपने स्विमिंग पूल देखा है कोई, तो जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, ये स्विमिंग पूल ऐसा है इस तरह से जो नीचे की तरफ जाता है, यानी इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, ऐसे स्लोप में रहता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है तो आप इस पार्ट के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, अगर आती है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये शैलो एंड है जहाँ पानी की गहराई कम होती है, इस एंड पर ये इट वॉज सॉरी हाँ कितना था 3 feet, इस साइड में 3 feet की गहराई का ही था, है ना। तो वो तो इसकी हाइट से कम ही था जब 10-11 साल का था, तो रिस्क नहीं था उसमें, राइट। एंड इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर, और दूसरे एंड पे ये कितना था, 9 feet गहरा था, जो कि एक इंसान की नॉर्मल 6 feet गहराई से काफ़ी, या एक जिसको कहते हैं हाइट से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डेंजरस हो सकता है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो ड्रॉप है ना, ये जो स्लोप है नीचे की तरफ जो जा रहा है स्विमिंग पूल, ये बड़ा ही ग्रेजुअल है। बड़ा ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से स्लोप नहीं है, पता भी नहीं चलता आपको कि कब आप शैलो एंड से डीप एंड में चले जा रहे हो, है ना। जब डूबोगे तभी पता चलेगा, वैसे नहीं मालूम चलता। सो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो स्विमिंग पूल में जाते ही मुझे वाटर विंग्स मिल गए। वाटर विंग्स जो होते हैं वो लाइफ जैकेट से थोड़े अलग होते हैं। लाइफ जैकेट जो होती है उसको पहनकर आप स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन वाटर विंग्स होते हैं जो आपको डूबने नहीं देते बस, लेकिन आप स्विमिंग सीख सकते हो। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में सीधा चला गया। आई हेटेड टू वॉक, और शुरुआत में मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे ये पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं है उसको? टू वॉक नेक्ड इनटू इट, यानी स्विमिंग पूल के अंदर उसको शुरुआत में नेक्ड का मतलब यहाँ कम्प्लीटली नेक्ड नहीं है, इसका मतलब है शॉर्ट्स वगैरह पहन के जैसा स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, क्योंकि बच्चा है ना अभी, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको शर्म आती है लोगों के सामने शॉर्ट्स के अंदर जाने के अंदर भी। तो शुरुआत में उसको बड़ी पानी के अंदर जाना पसंद नहीं आ रहा था, शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी पतली टांगे में किसी को दिखाना नहीं चाह रहा था, मुझे अजीब लग रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपना जो प्राइड था उसको थोड़ा सा सबड्यूड कम किया, और डिड इट, मैंने ऐसा कर दिया, मैं शॉर्ट्स पहने और सीधा स्विमिंग पूल के अंदर चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, और बिल्कुल शुरुआत से हो क्या रहा था कि एवर्जन, एवर्जन का मतलब भी यहाँ हेट होता है, इसका मतलब थोड़ा सा पसंद नहीं करना, मुझे पानी के साथ थोड़ा सा एवर्जन फील हो रहा था ना, हेट फील हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पानी के अंदर जाना, क्यों, है ना। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी के अंदर था, ऐसा क्यों था, क्यों पानी इसको पसंद नहीं है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कब ऐसा, ये तब स्टार्ट हुआ था, यानी पानी से इनको प्रॉब्लम है और ये डर जो बैठा हुआ है पानी को लेकर, ये कब से है? ये तब शुरू हुआ था जब ये 3-4 साल के थे, और इनके फादर इनको टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मुझे कैलिफोर्निया के ऊपर एक बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं, यानी फादर और मैं, हम दोनों ही सर्फ के बीच में खड़े थे। सर्फ क्या होता है? जब समुद्र की लहरें आती हैं उनको, जिसके ऊपर हम सर्फिंग करते हैं, राइट,
तो वो सर्फ होती है, तो लहरें आ रही थी जा रही थी, सो आई हंग ऑन टू हिम, मैं पापा को पकड़ के खड़ा था, येट द वेव्स, लेकिन फिर भी वेव्स जो थी नॉक्ड मी डाउन, उन्होंने मुझे नॉक डाउन कर दिया, मतलब मुझे पुश करके नीचे गिरा दिया, इतना उसका प्रेशर था, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो लहर पानी की मेरे ऊपर से निकल गई, कहने का मतलब मैं उसके अंदर डूब गया, आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे बरीड दफन हो गया, माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस थी वो ऑलमोस्ट जा चुकी थी, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं काफ़ी डर गया था, फादर लाफ्ड, लेकिन जैसे ही वो सर्फिंग की एक खास बात है सर्फ की कि वो लहरें आती हैं और वापस चली जाती हैं, तो मैं काफ़ी डर गया था ना, वो मैं तो वापस बच गया, लेकिन फादर मुझे देख के हंसने लगे, इसमें हंसने वाली कोई बात तो थी नहीं, लेकिन उसके पापा जानते हैं कि ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने का तरीका है कि आप हंसने लग जाओ, है ना, या फिर जैसे वो जानते ही हैं कि नॉर्मल हमारे घरों के अंदर कहते हैं कि कोई बच्चा गिर जाए रोने लगे तो कहते हैं कि देख नीचे कोई कीड़ी मर गई, कोई चींटी मर गई, इस तरह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है ताकि उस बच्चे के दिमाग में उसका डर ना बैठे। बट देर वॉज नो टेरर इन माई बट सॉरी देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पापा ने हंस के बात को टालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उस वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से एक टेरर जो आतंक था मेरे दिल में बैठ गया, किससे, ओवर पावरिंग, मेरी पावर से भी ज़्यादा जिसकी पावर हो, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, पानी की लहरों की जो पावर थी उससे मेरे मन में एक डर बैठ गया था। सो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर। और जब मैं 10-11 साल का था और मैं स्विमिंग पूल के अंदर YMCA के अंदर जब मैं स्विमिंग सीखने गया, तो क्या हुआ कि इस इंट्रोडक्शन के साथ ही, फर्स्ट मीटिंग के साथ ही, उस पूल ने क्या किया, रिवाइव का मतलब रिकॉल कर दिया, नया कर दिया, तरोताज़ा कर दिया अनप्लेजेंट मेमोरीज़ को, ऐसी यादें जो अनप्लेजेंट है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन यादों को ताज़ा कर दिया, और स्टिल चाइल्डिश फियर, और वो बचपन का डर, वो फियर जो नीचे बैठ गया था। हम देखते हैं कोई ग्लास हो और उसके अंदर पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई हो, कुछ टाइम बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, लेकिन स्टिर करना, स्टिर का मतलब उसे इस तरह से हिलाना, और जब मैं उसको स्टिर करता हूँ तो वो मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो वैसे ही स्टिर, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है इसी तरह से यूज़ हुआ है कि मेरे बचपन का डर वो नीचे बैठ गया था कहीं मन में, लेकिन जैसे ही पानी के साथ मेरी मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, वो चाइल्डिश फियर वापस से स्टिर होकर ऊपर आ गया, कहने का मतलब वो डर ताज़ा हो गया। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपना कॉन्फिडेंस है ना वहाँ पे गैदर किया, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और क्योंकि वाटर विंग्स तो पहने थे, मैं डूब तो सकता नहीं था, उसके साथ ही मैंने पैडल मारना, पैरों से पानी को पैडल करना स्टार्ट कर दिया, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, दूसरे लड़कों को देख रहा था कि वो किस तरह से ट्राई कर रहे हैं और उनको देख कर लर्न करने की कोशिश कर रहा था। एपिंग मतलब होता है कॉपी करना, ऐप मतलब बंदर होता है वैसे तो बंदर जानते हैं कि बंदर जो होता है वो फेमस है कॉपी करने के लिए, तो मैं कॉपी करके सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में मैं 2-3 बार ट्राई कर रहा था है ना, करता था, एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और मैंने अभी इजी फील करना स्टार्ट ही किया था द वाटर, पानी के साथ, पहले पानी से डर लगता था, लेकिन कॉन्फिडेंस किया, कॉन्फिडेंस को गैदर किया, पानी के अंदर गया, और अभी धीरे धीरे मैंने अभी ईजी फील करना स्टार्ट किया ही था व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी क्या होता है ये और मिस एडवेंचर घटित हो गया, एक और बुरी घटना हो गई मेरे साथ जिसकी वजह से जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या घटना हुई इसके साथ वो हम देखते हैं। सो आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, तो उसके बाद क्या हुआ, हुआ क्या था, मिस एडवेंचर क्या हुआ मेरे साथ कि उस दिन मैं पूल गया वहाँ पूल पर जब और कोई नहीं था वहाँ पर, मैं बिल्कुल अकेला था। ओके द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो पूरी जगह जो थी बिल्कुल एकदम क्वाइट थी, वहाँ किसी तरह का कोई शोर नहीं हो रहा था, द वॉटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्टिल था क्योंकि स्विमिंग पूल में था ही नहीं कोई है ना, एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब, और उस स्विमिंग पूल के अंदर टाइल लगी हुई जो बॉटम थी वो इतनी क्लीन एंड इतनी साफ वाइट लग रही थी जैसे कि हमारे बाथटब की टाइल्स रहती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बिल्कुल टिमिड फील कर रहा था, बड़ा ही टीमेट का मतलब क्या होता है, जब आप थोड़ा सा डरे हुए से रहते हो ना, ऐसा मैं फील कर रहा था अकेला अंदर जाने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अकेला स्विमिंग पूल में चला जाऊं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं पूल के साइड में ही वहीं बैठ गया टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का वेट करने लगा कि दूसरे जैसे आते हैं तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा। सो आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे वहाँ गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तभी एक वहाँ पर एक बिग ब्रूजर एक बॉय
वहां पर पहुंच जाता है। ब्रूसर मीन्स क्या होता है, एक बॉडी बिल्डर कह सकते हैं, या जिसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला लड़का, राइट। वो एक लड़का वहां पर आता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और उसकी उम्र का क्या आइडिया है कि वो शायद 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर काफी थिक बाल थे, है ना, काफी वो मतलब ग्रोन अप बॉय था। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और उसकी बॉडी जो थी ना नॉर्मल बच्चे जैसी बॉडी नहीं थी, एक फिजिकल स्पेसिमेन कॉपी थी। स्पेसिमेन का मतलब होता है जिसके जैसे दूसरी ना हो, है ना, ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ बॉडी थी उसकी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके अंदर उसके लेग्स एंड आर्म्स इतनी पावरफुल लग रही थी जो रिपलिंग मसल्स शो कर रही थी। रिपलिंग का मतलब होता है वेवी, वेवी जिसमें लहरें बन रही हो बॉडी के अंदर, कहने का मतलब डोले शोले थे उसके। येल्ड, और वो चिल्लाया जोर से, हाई स्किनी, क्या बोला उस लड़के विलियम डगलस को, हाय पतलू स्किनी, राइट, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग, तुम्हें पानी में डक होना कैसा लगेगा, डुबकी लगाना कैसा लगेगा, है ना, इतना बोला ही था उसने। विद दैट, इतना कहते हुए ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड मी, और मुझे पटक दिया, टॉस कर दिया, इन टू द डीप एंड, और स्विमिंग पूल के जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था टू एंड थे, एक जो था शैलो एंड जो 3 फीट गहरा था, दूसरा था डीप एंड जो कितना था 9 फीट गहरा था, तो मुझे उस 9 फीट वाले एंड में फेंक दिया, और मुझे स्विमिंग आती नहीं थी, वाटर विंग्स मैंने पहने नहीं थे, है ना, तो ये तो रिस्की काम हो गया था। सो आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, जिस तरह से मैं सिटिंग स्क्वेटेड पोजीशन के अंदर क्रॉस लेग करके मैं बैठा था स्विमिंग पूल के साइड में, वैसा का वैसा उठा के स्विमिंग पूल में टॉस कर दिया, है ना, तो उससे क्या हुआ कि मैं उसी सिटिंग पोजीशन के अंदर ही पानी में लैंड हुआ, स्वेलोड वाटर। और जब आप अचानक से गिरते हो अनकॉन्शियसली तो कुछ पानी आप स्वेलो भी कर जाते हो, थोड़ा पानी में निकल गया। एंड वेंट एट वंस, और एट वंस का मतलब तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए टू द बॉटम, मैं किधर जा रहा था, अब पानी में गिरे हो तो आप बॉटम की तरफ जाओगे, डूबोगे क्योंकि आपको स्विमिंग आती नहीं। आई वॉज फ्राइटन, मैं काफ़ी डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना ज़्यादा फ्राइटन नहीं था कि आउट ऑफ माई विट्स हो जाऊँ। आउट ऑफ माई विट्स मतलब होता है मेरी विट जब काम करना, विट यानी बुद्धि काम करना बंद कर दे। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है जब आपका सेंसेस काम ना करे, आप है ना बेहोशी की हालत में चले जाओ। तो मैं डरा हुआ जरूर था, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया हो। सो ऑन द वे डाउन, जब मैं स्विमिंग पूल के अंदर बॉटम की तरफ ऐसे ऑन द वे डाउन नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लान, तब मैंने प्लानिंग कर ली। क्या प्लानिंग की मैंने, बचने की प्लानिंग क्या है वो देखें, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, ढंग से सुनेंगे। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर स्विमिंग पूल के बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं वहाँ से एक बड़ा सा जंप मारूंगा, कम टू द सरफेस, जंप मार के पानी के सरफेस पर आ जाऊँगा, लाई फ्लैट, और फिर आके सीधा पानी पर फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द, और पैडल करता हुआ पानी के अंदर से टू द एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। बच गया ना, कितना आसान है। तो इस तरह की प्लानिंग उसने नीचे जाते हुए विलियम डगलस ने कर ली थी, लेकिन क्या ये प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, तो हम देखते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी नेक्स्ट पेज पर। ओके, इट सीम द लॉन्ग वे डाउन, और मैं नीचे जब जा रहा था तो ऐसा लग रहा था, सीम लगना, लॉन्ग वे डाउन, काफ़ी लंबा रास्ता है नीचे की तरफ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट मुझे आज 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। जैसा कि हमारे दिमाग की खासियत है कि जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो टाइम बड़ा फास्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, और जब आप वेट कर रहे होते हैं कि कब मैं बॉटम को टच करूं, तो टाइम स्लो हो जाता है। तो 9 फीट मुझे 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, माय लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो बर्स्ट, फटने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि सांस रोके हुई थी, है ना, नई सांस ले नहीं पा रहा, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने एट लास्ट बॉटम को हिट किया, आई समन ऑल माय स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, ताकत को समन कर लिया, बुलावा भेज दिया, कहने का मतलब होता है कलेक्ट कर लिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने मेड वो किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, क्या किया मैंने, बॉटम से अपवर्ड्स ऊपर की तरफ एक ग्रेट स्प्रिंग किया, उछाल, वहाँ से एक छलांग लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने ये इमेजिन किया था, सोचा था कि मैं सरफेस पर आऊँगा, आई बॉब टू द सरफेस, बॉब का मतलब होता है अचानक से आप जंप करते हुए अगर आते हो, यानी बाय जंपिंग टू द सरफेस, मैंने तो ऐसा सोचा था कि जब मैं जंप करूँगा तो पानी के ऊपर एकदम से ऐसे निकलूँगा जंप करते हुए, जैसे कि एक कॉर्क होता है। वट इज़ कॉर्क,
अगर शैंपेन वगैरह की बोतल देखिए तो शैंपेन की बोतल का जो ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाया हुआ होता है, उसका ढक्कन कह सकते हैं, जो कॉर्क होता है। अब क्योंकि लकड़ी पानी के अंदर डूबती नहीं है, अगर मैं उसको पानी के नीचे ऐसे पकड़ के भी रखूँ और जैसे ही उसको छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ, तो पानी के ऊपर एकदम से निकलता है वो। उसी तरह से मैंने सोचा था कि मैं तो ऐसे ही निकलूंगा पानी से इंस्टेंट, लेकिन इसके बजाय हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, मैं बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जंप किया ऐसे धीरे धीरे पानी से ऊपर जा रहा है। राइट, आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं वहां पर। कहने का मतलब कुछ दिखाई देने वाली बात ही नहीं थी क्योंकि अभी भी पानी के अंदर ही था। प्रॉब्लम क्या थी कि जब आंखें खोली तो उसके अंदर पानी ही पानी था, बट वॉटर वॉटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग टू इट। मुझे सिर्फ हर तरफ पानी पानी दिख रहा था क्योंकि अभी भी मैं पानी के नीचे था, और कैसा पानी दिखा, वो येलो पानी था जिसके अंदर एक सॉरी डर्टी पानी, गंदा पानी था जिसमें एक येलो टिंग थी। टिंग का मतलब ग्लो, पीली सी चमक, क्योंकि पानी के अंदर जब आप आंखें खोलेंगे तो क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता, तो उस पानी के अंदर एक येलो सटिंग, एक ग्लो था उस पानी के अंदर, गंदा पानी था इसलिए भी कह सकते हैं। सो आई ग्रू पैनिक, उसको देख कर मैं पैनिक हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि मैंने तो सोचा था मैं आ जाऊँगा बाहर, लेकिन मैं देखा कि वहाँ तो पानी पानी था, मैं बाहर आया ही नहीं। इससे क्या होगा कि मैं और ज़्यादा पैनिक हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लज्ड ओनली एट वाटर। और जब मैं पानी से थोड़ा ऊपर की तरफ निकला, आई रीच्ड अप एज इफ, जैसे मानो टू ग्रैब अ रोप, जैसे कोई रस्सी को मैं ग्रैब कर लेना चाहता हूँ, पकड़ लेना चाहता हूँ, एंड माई हैंड्स, लेकिन हर बार जब मैंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, मेरे हाथों ने क्लच किया, पकड़ा किसको, ओनली एट वाटर, सिर्फ पानी को पकड़ा, हाथ में पानी आया। सोच रहा था कि क्या पता किसी ने रस्सी डाली हो पानी में मुझे बचाने के लिए, तो हाथ में रस्सी आ जाए तो बच जाऊं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हर बार पानी ही हाथ आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेट कर रहा था, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने कोशिश की कि मैं चीख मारूं, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वॉटर बट नॉट माई माउथ, लेकिन उसके बाद मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आ गया, लेकिन मेरा मुँह पानी से बाहर नहीं आया। तो पानी से तो बाहर आ गया, एटलीस्ट चलो सांस ले सकता था ना, मुंह का बाहर आना कहाँ जरूरी है, नाक बाहर आ गया सांस ले लो। लेकिन यहाँ पर अपने को थोड़ी बात समझनी चाहिए कि हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, सिग्नल देता है, ये बताता है कि किस चीज़ से हमें खतरा है, ये बताता है हमें इस चीज़ को। तो जब होता क्या है कि हमारा फेस, खास करके पूरी बॉडी पर और कहीं नहीं होता, लेकिन अगर फेस पर वाटर अगर टच कर रहा हो तो हमारा ब्रेन ये सिग्नल देता है कि वाटर से हमें जान का खतरा है, तो हमारी जो सांस लेने की जो प्रोसेस है उसको रोक देता है। तो इसीलिए हम कभी शावर, जब शावर ले रहे हो और मुंह के ऊपर पानी गिर रहा हो तो हम सांस नहीं ले सकते, है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो स्विमर्स होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं सिर्फ, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो क्योंकि इसको तो आता नहीं कुछ, तो इसका नाक बाहर आ गया तो क्या हुआ, नाक से सांस ले नहीं सकता क्योंकि पूरे फेस पर पानी है जो कि सिग्नल दे रहा है कि नहीं, सांस नहीं ले सकते। आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर, तो मैं पानी के सरफेस पर आया तो था थोड़ी देर के लिए, और मैंने फ्लेड का मतलब हाथ पैर मारे, काफ़ी ट्राई की, स्वेलोड एंड चॉक, थोड़ा पानी और निकल गया इस चक्कर में, और उसके बाद मेरा गला भी चौक हो गया क्योंकि पानी यहाँ पर अटक गया, सांस भी नहीं आ रही थी फिर। सो आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ ले आऊँ, राइट, ताकि फिर तो पैडल कर पाएगा ना, अभी वो ऐसा है पानी के अंदर सीधा। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे दोनों पैर ऐसे लटके हुए थे जैसे डेड वेट होते हैं, मरे हुआ कोई भार, जिस तरह से डेड बॉडी का भार होता है। यूं तो डेड बॉडी 60-70 किलो की होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी लगती है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नहीं बनता है, राइट। और वैसे आप आदमी को 70 किलो के आदमी को वैसे उठा लो, क्योंकि आप और उसकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है एक हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भार लगता नहीं है। तो मेरे पैर ऐसे हैवी वेट जैसे बन गए थे जिससे कि मुझे उनको ऊपर उठाने में हिम्मत लग रही थी, जो हो ही नहीं पा रहा था। पैरालाइज लग रहे थे मेरे पैर, ऐसे लग रहे थे जैसे पैरालाइज हो गए, उसमें कोई ताकत नहीं बची। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जड़वंद, कठोर हो गए हो, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, अनमूविंग। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ी फोर्स जो थी मुझे पानी के नीचे खींच रही थी, और कौन सी फोर्स है वो ग्रेविटी है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वॉटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज़ सुनी, पानी ने आवाज़ सुनी, कहने का मतलब है किसी और ने नहीं सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और एक बार मैंने फिर से पूल के बॉटम की तरफ एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कर दी। लॉन्ग जर्नी इसलिए क्योंकि पहुँचने में दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, सांस ख़त्म हो रही है, तो
वो आपको, आप जल्दी से बाहर निकलना चाहोगे तो आपको वो लॉन्ग जर्नी जैसा ही फील होगा, राइट। तो सेकेंड टाइम वो वापस डूब रहा है, है ना, बचने के अभी तक तो कोई चांसेस नहीं हुए। आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, और जब मैं पानी से नीचे जा रहा था, मैं पानी को स्ट्रक कर रहा था, उस पर चोट कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, है ना, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी जो एनर्जी, जो स्ट्रेंथ है उसको मैं खत्म कर रहा था, खर्च कर रहा था, एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरेसिसिबल फॉर, जैसे कोई व्यक्ति अपने नाइटमेयर डरावने सपने के अंदर लड़ता है, इरेसिसिबल, ऐसी कोई फोर्स जिसको इरेसिसिबल मतलब होता है जिसको आप रोक ना सको। मान लो कभी सपने के अंदर एक कोई बहुत हॉरर वाला सपना आपको आता है जिसके अंदर एक भूत आपको दिख जाए, तो वो आपसे ज़्यादा ओवरपावरिंग होता है, वो इरेसिसिबल फोर्स है जिससे आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल वैसा ही पानी था इसके लिए, कि पानी ऐसी फोर्स थी जिससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, पानी को स्ट्राइक कर रहा था, बट नो आउटकम ऑफ इट, कोई उसका बेनिफिट नहीं दिख रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी जो ब्रीथ थी, सांसें थी, वो मैंने लॉस्ट कर दी, खर्च कर दी, है ना, कहने का मतलब मेरी सांसें खत्म हो रही थी, माई लंग्स एग्स माई हेड थ्रोब्ड, मेरे जो फेफड़े थे वो एग मतलब दर्द करने लग गए थे, माई हेड थ्रोब्ड, मेरा जो दिमाग था वो थ्रोब कर रहा था। थ्रोब का मतलब होता है जब ये नसें वगैरह जो है फड़फड़ाने लगती है, जोर जोर से बीट करने को थ्रोब कहते हैं। आई वॉज गेटिंग डिजी, और धीरे धीरे मैं डिजी हो रहा था, मुझे बेहोशी सी छा रही थी, नमनेस आ रही थी दिमाग के अंदर, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, मेरा दिमाग सुन हो रहा था लेकिन मुझे अभी भी जो स्ट्रेटजी थी वो पता थी, भी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा प्लानिंग क्या है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, क्या प्लानिंग की थी उसने पहले, कि मैं पूल के बॉटम से स्प्रिंग करूँगा, जंप मारूंगा, एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और मैं क्या करूँगा, पानी से बाहर इसके सरफेस पर जैसे कॉर्क आता है, लकड़ी का टुकड़ा आता है, वैसे बाहर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर, है ना, मैं पानी के सरफेस के ऊपर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊँगा, स्ट्राइक आउट, और फिर पानी को अपने हाथों से स्ट्राइक करता हुआ पानी से बाहर आ जाऊँगा। तो ये जो प्लानिंग की थी, ये प्लानिंग मुझे अभी भी याद थी, है ना, सेकेंड टाइम जब वो डूब रहा था, दिमाग हालांकि सुन हो रहा है लेकिन इसे याद है। तो क्या होता है इसके बाद, वो बच पाता है कि नहीं बच पाता है, तो चलिए देखते हैं। विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, तो ये प्लानिंग दिमाग में जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैं आर्म से पानी को, है ना, स्ट्राइक करूँगा, पैरों से भी पानी को थ्रैश करूँगा, पीछे की तरफ पुश करूँगा, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर फाइनली मैं जो है पूल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा और बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊँगा, ये प्लानिंग थी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं पानी में सेकेंड टाइम जो नीचे जा रहा था एंडलेसली, और जाता ही चला जा रहा था क्योंकि पानी का जो एंड है वो आ ही नहीं रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने फिर से अपनी आंखें खोली, एंड नथिंग बट वॉटर विद अ येलो ग्लो, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी पानी था जिसके अंदर येलो ग्लो टिंग था उसके अंदर, डार्क वाटर, ऐसा पानी, डार्क पानी दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, डार्क का मतलब यहाँ काला नहीं है, या डार्क का मतलब है जिसके अंदर से आप देख ना सको, जिसके अंदर से वन कुड नॉट सी थ्रू, आर पार ना देख पाए, ऐसा वो पानी था, गंदा पानी था, डर्टी वाटर था। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज़ मी, और इतना जब आप घबरा जाते हो, डूब रहे हो, सेकंड टाइम बचने के चांसेस कम है, तो उसकी वजह से जो टेरर, जो आतंक पैदा होता है ना, वो शीयर, शीयर का मतलब प्योर होता है, स्टार्क का मतलब भी प्योर होता है, यानी 100% प्योर, और यहाँ पे 100% और, तो कहने का मतलब 200% प्योर टेरर सीज़ मी, उस टेरर ने मुझे सीज़ कर दिया, कहने का मतलब कोई नकली नहीं डर रहा, वो एक्टिंग नहीं कर रहा डूबने की, असल में डूब रहा है, असल में मरने वाला है। तो वो जो डर था उसकी वजह से जो आतंक पैदा हुआ वो बिल्कुल ओरिजिनल था, उसने मेरे बॉडी को सीज कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा टेरर था जो किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानता, है ना, उसको अगर आप कहो भी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर जो किसी तरह के कंट्रोल को नहीं जानता, भाई मेरा इमोशन है, मुझे गुस्सा आ रहा है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रोना आ रहा है कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मर रहा हूँ मैं, मरने वाला हूँ, उस आतंक को कोई किसी तरह को, है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा आतंक था मेरे मन में, नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने इसको एक्सपीरियंस ना किया हो, जिसने कभी खुद ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया हो कि पानी के अंदर डूब के मरना कैसा होता है, वो कभी भी बता नहीं सकता कि ये डर कैसा था। आई वॉज शेकिंग अंडर वॉटर, तो मैं पानी के नीचे स्ट्राइक कर, मतलब कहने का मतलब चीख रहा था,
मैं चीखे मार रहा था, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज हो गया था, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, स्टिफ हो गई थी बॉडी, रिजिड हो गई थी। तो स्टिफ रिजिड वही मतलब है जड़वंत हो जाना, जब अनमूविंग हो गई थी, काम नहीं कर रही थी, किसकी वजह से? विद फियर, डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर जो स्क्रीम्स थी, जो चीखें थी, है ना, वो भी वो फ्रोजन जम गई थी। कहने का मतलब है बाहर आ ही नहीं रही थी। ओनली माई हार्ट्स, सिर्फ मेरा जो दिल था, हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, वो मेरे दिमाग के अंदर जो पाउंडिंग हो रही थी, जो नसें है ना फड़फड़ा रही थी, जो हार्ट बीटिंग हो रही थी, है ना, सेड दैट, वो कह रही थी आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा था। बाकी ऑलमोस्ट उसका दिमाग सुन हो रहा है, राइट, नमनेस के अंदर जा रहा है, लेकिन उसका सिर्फ हार्ट बीट हो रहा है और दिमाग के अंदर पाउंडिंग हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि मैं अभी जिंदा था, मरा तो कम से कम नहीं था। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और तब उस आतंक के बीचों बीच, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतंकित हो गया था, डर गया था, उसके बीचों बीच केम आया अ टच ऑफ रीज़न। टच ऑफ रीज़न का मतलब जैसे होता है आपके दिमाग में टच आना, टच ऑफ रीज़न का मतलब होता है एक सेंसिबल थॉट, एक सोचा समझा गया विचार, एक कहने का मतलब एक सेंसिबल थॉट आया मेरे दिमाग में, एक बात आई दिमाग में, वो बात क्या थी? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे जंप करना है, याद रखना पड़ेगा, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा। तो वो स्ट्रेटेजी जो पहले बनाई थी, वही स्ट्रेटेजी मुझे क्या होना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। अचानक से मरने वाला है, नम हो गया, एक बार दिमाग सुन हो गया, लेकिन फिर से अचानक से वो थॉट आया कि नहीं, छलांग लगानी है मुझे, चल मुझे जंप करना है, इस तरह से। सो एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और एट लास्ट मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को फील किया, माई टोज रीच्ड आउट, और मेरे पैरों की उंगलियां बॉटम के पास ऐसे रीच आउट हुई, ऐसे पहुंची, एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे कि टाइल्स को पकड़ लेना चाहती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जान नहीं है, थक गया वो, तो ऐसा लगता है कि वो पैर ऐसे जाके इतने हैवी तरीके से बॉटम के ऊपर टिक गए, जैसे मानो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने जंप लगाया विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितनी भी ताकत बची थी, जितनी भी हिम्मत थी, उस बची खुची ताकत के साथ मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया और एक और जंप लगा दिया। पता, जंप मेड नो डिफरेंस, जंप कर तो दिया, लेकिन उस जंप ने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस जंप का। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, क्योंकि अभी भी मेरे चारों ओर पानी था। आई लुक फॉर रॉब्स, मैंने लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, कोशिश करना, ढूंढने की, मैंने कोशिश की कि कोई मुझे हाथ में कोई रोप, कोई रस्सी मिल जाए, कोई लैडर्स, कोई सीढ़ी हाथ में आ जाए, वाटर विंग्स या कोई वाटर विंग्स हाथ में आ जाए, कुछ तो मिले डूबते हुए को तिनके का सहारा, जिससे वो बच जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर, कैसा पानी? मास मतलब हैवी क्वांटिटी के अंदर, है ना, एक ऐसा येलो वाटर था, हेल्ड मी, जिसने मेरे ऊपर होल्ड करके रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और टेरर तो पहले ही था मन में, मरने का, डूबने का टेरर, आतंक, और एक स्टार्क प्योर टेरर ने टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मेरे ऊपर और भी एक डीपर गहरा होल्ड कर लिया था, मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आपको जकड़ लेता है, जैसे कि जोर का झटका अगर आपको लगे बिजली का और आपको पकड़ लेती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल वैसे ही इस डर ने मुझे पकड़ लिया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल विद फ्राइट, मैं शुक मतलब एक होता है बॉडी के अंदर अचानक से शुक होना, एक वाइब्रेट होना, और ट्रेम्बल मतलब होता है कंटिन्यूस ट्रेम्बल होना, तो मरने से पहले जैसे छटपटाते हैं ना, जब एक ऑलमोस्ट मर गया और बॉडी के अंदर एक जोर का झटका लगा, उसके बाद बॉडी ट्रेम्बल करने लगी फ्राइट, डर की वजह से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी आर्म्स जो थी वो मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने किसी को मदद के लिए आवाज़ देने की कोशिश की, टू कॉल फॉर मदर, अपनी मम्मी को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन नथिंग हैपन, क्योंकि गला तो चौक हो रखा था, कुछ नहीं हुआ, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली। इस तरह से हमने देखा कि वो काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके साथ होगा क्या, कि वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, तो हम देखते हैं कि इसका, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और इसको, इस वीडियो को अपने पार्ट वन के हिसाब से यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट टू के अंदर हम करेंगे, उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड हो रही है, आप ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार क्लास चैनल। थैंक यू वेरी मच।